हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सरविका सिंह ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कुछ लेना है सामान। होली पास आ गई है, थोड़ा बहुत सामान लेना है किचन का, तो वही मैं जा रही हूँ लेने के लिए। और ब्लॉग पूरा देखते रहिए, तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या लिया, क्या क्या तैयारी की होली की। मार्केट में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट सजा हुआ है, देख लीजिए। और ये है हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस मिठाई की भी दुकान है, नमकीन की भी दुकान है। तो यहाँ का नमकीन काफ़ी वो वैरायटी मिलता है और काफ़ी टेस्टी मिलता है। तो वही मुझे लेना था, मटर वगैरह भी लेना था और नमकीन भी कुछ लेने थे। तो मैंने पहले सोचा कि घर पे बना लें, पर बिल्कुल मन नहीं हुआ। रोज़ रोज़ इतना काम पड़ जाता है कि मन ही नहीं किया इस बार कुछ बनाने का। सिर्फ चिप्स वगैरह बनाया था आलू का, और कुछ नहीं बनाया मैंने। तो होली काफ़ी पास आ गई, इसलिए सोचा कि चलो इस बार रेडीमेड ही ले आएंगे। तो इसलिए मैं यही सब लेना था, इसलिए मार्केट में आई थी। और बगल में सब्जी मंडी भी लगती है, तो वही सब्जी वाले भी बैठे हुए हैं अगल बगल में, और ऐसी काफ़ी दुकानें ऐसी लगी हुई थी, पर मुझे यहीं से लेना था। तो काफ़ी वेट के बाद मुझे नमकीन मिल पाया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। और ये सब चीज़ें मैंने ली, और कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, वो धीरे धीरे करके मैं ले रही थी। और ये सब लेने के बाद से मैं जैसे ही आगे बढ़ी, तो वहाँ पे काफ़ी हरी हरी सब्जियाँ दिख रही थी। तो हम लेडीज़ का तो यही होता है ना, कि लेने जाते हैं कुछ और अगर किचन का कुछ आइटम दिख जाए तो वो लेने लगते हैं। तो ये तो पुरानी आदत है, और सब लेडीज़ आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा करती होंगी। और मैं तो हरी हरी सब्जियाँ दिख गई, तो सोचा थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ले लेते हैं। तो गए जाओ किसी और काम से हो जाता है कोई और काम, तो ये तो सबके साथ ही होता होगा मेरे ख्याल से। और मुझे ये कटहल दिखा था, पर कटहल का रेट सुन के हे भगवान, मेरे तो होश ही उड़ गए। इतना महंगा कटहल का रेट, यानी 40 रुपया पाव दे रहे थे, और मेरा सुन को तो मतलब एक जो भी कटहल उठाओ तो वो कम से कम 150-120 ऐसे रेट हो रहा था। और वज़न सिर्फ 300-400-500 ग्राम ऐसे ही था वज़न, ज़्यादा नहीं था। तो मुझे काफ़ी महंगा लगा, इसलिए मैंने कटहल तो नहीं लिया, क्योंकि होली में अक्सर मैं कटहल ही बनाती हूँ, पर लिया नहीं मैंने। कुछ ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, सोच रहे जाए घर। देखते हैं, कई सामान तो ले लिए हैं, और शौर्य को नहीं लेके आए, रो रहा था आने के लिए, पर नहीं लेके आए। देखते हैं यहाँ शायद मिल जाए। हर जगह मार्केट लगा हुआ है, और मैं ढूंढ रही थी साबूदाने के पापड़। ऐसे वाले नहीं चाहिए मुझे, कलरफुल वाले चाहिए भैया, कलरफुल वाला चाहिए मुझे साबूदाना पापड़। साबूदाना कलरफुल ले लीजिए, देखिए। और कच्चे कलरफुल पापड़ चाहिए थे, वही मैं ढूंढ रही थी, तो लास्ट टाइम मिल गया और मैंने ले लिया है। अब बस थोड़ा सा दिया वगैरह लेना है भगवान का, मैं लेके अपने घर के लिए निकलूंगी। और इतनी देर से खड़े हैं, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है, देखते हैं। काफ़ी देर हो गई है, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिया, चिप्स, और देखते हैं क्या मिलता है।
यही है, कभी कभी मिल जाता है, त्यौहार है ना, त्यौहार में मिलना मुश्किल हो जाता है, तो देखते हैं कब तक मिलता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं घर पे, सामान है तो जो जो लेना था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, उसके लिए जाना पड़ा क्योंकि आज 5 हो गया, कल 6, 7, 8 दो दिन से बचा है, और इसीलिए। और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमकीन चख लिया था, जिसकी वजह से दांत आता फंस गया, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे आया है कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए, और सबसे पहले पानी पीऊँगी। बेटा पानी लिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, इसलिए पीऊँगा मैं तो। कुछ सब्जियाँ भी ले ली, क्योंकि आज के लिए सब्जी हरी नहीं थी, इसलिए पालक ले लिया, और लहसुन मिर्च का अचार डालना था, तो लहसुन हरा लहसुन दिख गया, वही वो भी ले लिया, और हरी मिर्च तीखी वाली, क्योंकि सब्ज़ी वाले आजकल तीखी मिर्ची बिल्कुल नहीं लेके आते हैं, वहाँ मुझे दिख गया तो वो ले लिया था। तो ये सब चीज़ें भी थैले में पड़ी हुई हैं, और बाकी सब होली वाले आइटम हैं। और ये देखिए बंसी का के आ रही है, गिलास खाली गिलास क्या करें बेटा, अभी कुछ नहीं करूँ, पानी पिए। पेंट है ना, काले तो हो ही जाएंगे। नहीं ये उधर ही के दुकान का है, मम्मी का दे। ये शो को देख लीजिए, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। ये है वंशी का, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ये सब खा रहे हैं, मैं मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, प्यास लगी है। तो ये था आज का होली स्पेशल ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाइए, चैनल पे अगर नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।